हैदराबाद सिटी पुलिस सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के तरफ से आज ये इंटर स्टेट गैंग फॉर जॉब फ्रॉडस्टर ये रैकेट आज डिटेक्ट हुआ। इस गैंग में लगभग 8 मेंबर्स अभी तक एडवर्स नोटिस में आए हैं, जिसमें टास्क फोर्स के तरफ से ऑलरेडी 6 मेंबर्स उनका अरेस्ट हुआ। ये लोग पिछले कुछ महीने से एक फेक रिक्रूटिंग एजेंसी रन कर रहे थे और बहुत लोगों को ये लोग चीट किए। MVM टेक्नोलॉजीज आमिरपेट इसके नाम से ये लोग शुरू किए और वहाँ ईमेल के तरफ से और दूसरे मीडिया के तरफ से वो लोग अट्रैक्ट करके पब्लिक को लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपीस कलेक्ट किए। इसमें जो गैंग लीडर है वेंकटेश अनंतपुर का रहने वाला और इसके अलावा प्रणय राहुल नरेश नरसिम्हा प्रसन्न कुमार मुरली ये लोग 6 मेंबर अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा मोहन और अशोक ये दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं। ये पूरे प्रोसेस में ये लोग रेलवे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट इस तरह के सभी डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज का फेक ऑफर लेटर भेज करके हर कैंडिडेट से किसी से 3 लाख 4 लाख 5 लाख कलेक्ट करके एक फेक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते थे और इनके पास से जो आइटम रिकवरी हुआ उसमें 12 लाख रुपीस कैश 9 सेल फोन 40 अपॉइंटमेंट लेटर इस तरह के जिसमें कि फेक अपॉइंटमेंट लेटर सब हैं दूसरे बैंक के या रेलवे डिपार्टमेंट के रबर स्टैम्प ये सब की रिकवरी हुई। इसके अलावा लगभग 44 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स का भी रिकवरी हुआ और ढेर सारे डिपार्टमेंट के फेक रबर स्टैंप जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट प्राइवेट कंपनीज के रबर स्टैंप और लेटर पैड भी मिला। ऑलरेडी इसके पहले 6 केसेस रजिस्टर हुए हैं इसमें, जिसमें सनत नगर पुलिस स्टेशन कुसाईगुड़ा पुलिस स्टेशन SR नगर बंजारा हिल और सैदाबाद पुलिस स्टेशन एबिट्स के साथ इन जगह केसेस रजिस्टर पहले हुआ। इस मौके पे मीडिया के तरफ से कॉमन पब्लिक खास करके यंग बॉयज एंड गर्ल्स को एक मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है किसी डिपार्टमेंट में वो उनके तरफ से न्यूज़पेपर में या उनके तरफ से उनके फॉर्मल जो चैनल है नोटिस बोर्ड में हमेशा उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। इस तरह के प्राइवेट रिक्रूटिंग एजेंसीज जो मोस्टली फेक हैं उसके तरफ से पैसा देकर नौकरी लेना ये गलत बात है और आज न कल इसमें जरूर पकड़े जाते हैं लोग। तो इस तरह की चीटिंग से बचने के लिए जब कभी भी किसी को डाउट हो वो लोकल पुलिस को बता सकते हैं या उस डिपार्टमेंट के जो HR हेड है उनसे बात कर सकते हैं। ये पूरा केस DCP सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के तरफ से बहुत अच्छा केस डिटेक्ट हुआ और DCP राधा किशन राव इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव सब इंस्पेक्टर कांता राव और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम के सभी मेंबर्स मिलकर ये केस डिटेक्ट किए और हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये ज़्यादा पुराना गैंग नहीं है, करीब 8 से 9 महीने तक का अभी रिकॉर्ड पे आया है सब कुछ, तो मेरे हिसाब से अभी ये गैंग उतना ही पुराना है। अभी 2 मेंबर और इसके अरेस्ट होने बाकी हैं, जब वो दोनों मेंबर अरेस्ट होंगे उसके बाद केस का डिटेल दूसरे कहाँ कहाँ इनका लिंक है क्या है वो आगे पता चलेगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया वो प्राइमा फेसी यही इन्फॉर्मेशन है। टोटल अभी तक 8 मेंबर हैं इस गैंग के, जिसमें 6 अरेस्ट हुए हैं और 2 अभी एब्सकॉन्डिंग हैं एज ऑन नाउ एज पर दी इंट्रोगेशन रिपोर्ट।